इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर। इफ वन ऑफ देम इज कट ऑफ, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्सन फ्रॉम इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ओरिजिन है और वो पॉइंट जियोमेट्रिक सेंटर पर है स्क्वायर के। अब लेट किसी भी एक पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ और फिर हम देखेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास ये तीन जो छोटे स्क्वायर हैं वो बच गया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, लेट उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर लाई कर रहा है, जैसे ये हो गया, इतना पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है। पहले ये रिमेनिंग पोर्शन है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास पड़ेगा ये लगभग यहाँ पर कहीं पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट इसका सेंटर ऑफ मास एक्स कॉमा वाई पर लाई कर रहा है। जो कटआउट पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहा होगा? तो देखो, ये कंप्लीट साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 2 सेंटीमीटर की। ऐसे ही ये कंप्लीट 4 है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर, हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना हो जाएगा? 1। और ऐसे ही ऊपर जाओगे ये भी कितना हो जाएगा? 1। ये जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 1.1 पर लाई करेगा। और हम मेजरमेंट कहाँ से ले रहे हैं? ओरिजिन ओ से, जो कि सेंटर ऑफ, या जो हमारा बड़ा स्क्वायर था उसका सेंटर है। अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक तो एक्स कॉमा वाई पर यहाँ पर ओरिजिन है, और फिर यहाँ पर एक और स्क्वायर है जैसे ये वाला, जिसको हम रिमूव करेंगे 1.1 पर। हम देखो, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, हमारे पास एक एम ऑब्जेक्ट है एक 3m है, तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालूं आर सी एम, तो वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0.0 तो होंगे, जो मतलब मेन स्क्वायर के थे। हम इसको ऐसे लिखेंगे m1r1 + m2r2 / m1 + m2। अब m1r1 कितना होगा? तो देखो, m1 का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, छोटा वाला पोर्शन, उसका मास m होगा। r1 क्या रहेगा इसका? ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। अब r1 का मतलब हो गया 1.1 है ना ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i कैप + j कैप, फिर प्लस जो दूसरा मास है उसका मास है 3m, और इसके जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y है, तो यहाँ पर सिर्फ हम x i कैप + y j कैप लिख देंगे। अपर में इन दोनों का मास ऐड करेंगे, यानी कि m और 3m, और हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का वो 0.0 पर लाई करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.0, सिर्फ 0 भी रहने दे सकते हैं। अब इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, तो 0 = नीचे m कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा m + 3m मतलब 4m, और ऊपर देखो ये i और ये 3 × i, ये मैंने m कॉमन ले ली, तो इसको लिखेंगे i कैप + यहाँ से आ जाएगा 3xi कैप, ऐसे प्लस, फिर y वाले में हम क्या लिख सकते हैं? m तो बाहर आ गया है, तो ये हो जाएगा j कैप + 3yj कैप। सो m से तो m कैंसिल हो गया, ये 0 इधर जाएगा, तो 0 = कितना आ जाएगा? i और i, यानी कि 4, फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, i कैप को ओपन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3x, और i कैप को बाहर ले आते हैं, प्लस फिर j और j को ओपन ले लो यहाँ से, तो 1 + 3y और j कैप को ओपन ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 0 है, तो इसका मतलब ये वाला जो i कोऑर्डिनेट है और जो y जे कैप का कोऑर्डिनेट है वो 0, दोनों 0 होंगे, तो 1 + 3x = कितना होगा? 0। ऐसे ही 1 + 3y = कितना होगा? 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस के 1/3। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1/3। तो आप ये देखो, हमने x कॉमा वाई माना क्या था? हमने माना था x कॉमा वाई ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास, और वही तो हमें फाइंड करना होगा। तो x कॉमा वाई की वैल्यू आ गई है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें
ये आर सी एम है, सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग पोर्शन का। सो माइनस वन अपॉन में थ्री आई कैप प्लस फिर माइनस वन अपॉन में थ्री जे कैप। अब इसका ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में वन अपॉन में नाइन, या थ्री का स्क्वायर आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर वन अपॉन में थ्री का स्क्वायर। तो नीचे क्योंकि सेम है तो इसको आप लिख सकते हैं टू अपॉन में थ्री का स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर इक्वल टू रूट टू अपॉन में थ्री का स्क्वायर, बाहर आएगा तो थ्री बचेगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो आएगा रूट टू अपॉन में थ्री। इसके अलावा एक छोटा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने माना कि ये वाला पोर्शन जो है जिसको मैंने ब्लैक से शेड नहीं किया है इसको रिमूव कर रहे हैं, इसका मास कितना होगा m, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका मास कितना होगा 3m। अब ये ओरिजिन है, ये तो लेट ये है वेक्टर ओ ओ वन और ये है वेक्टर ओ ओ टू। तो अगेन ये जो पोर्शन हमने कटआउट किया है स्मॉल पोर्शन छोटा जिसका मास है m, उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूँ ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, तो वो लाई करेगा 1,1 पर जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब इसका जो पोजिशन वैक्टर हो जाएगा या मोमेंट वो कितना होगा, वन इसको आप आई कैप लिख सकते हैं प्लस वन जे कैप, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं रूट में अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो ये हो जाएगा टू। देखो मोमेंट ऑफ अनसेटेड पोर्शन अबाउट, मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ सेटेड रीजन, यानी कि जिसको हमने कटआउट करके बाहर निकाल रहे हैं। अब मोमेंट कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा इसका मास कितना 3m अनसेटेड पोर्शन का इनटू में, ये हमने पोर्शन माना है OO2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ सेटेड पोर्शन यानी कि उसका मास है m, और डिस्टेंस हम O से O1 लेंगे, यहाँ पर O1 था वो हमने निकाले रूट टू, तो OO2 कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल रूट टू अपॉन में थ्री, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आंसर रूट टू अपॉन थ्री ही आएगा।